खबर पीलीभीत से है, जहां प्रदेश सरकार से लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधि ने भी आजादी के अमृत महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पूरनपुर से बीजेपी विधायक बाबू राम पासवान ने हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा पूरनपुर कस्बे से होकर शेरपुर से होते हुए निकली। इस बीच मुस्लिम आबादी के इलाके में भी बीजेपी विधायक के तिरंगे को जोरदार समर्थन मिला। इस बीच रास्ते में कई जगह विधायक को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। विधायक बाबूराम पासवान ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में पूरनपुर विधानसभा के हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, कोई भी घर नहीं छूटेगा। तिरंगा यात्रा है आजादी के 75वें साल में आजादी का ये अमृत महोत्सव, मैं समझता हूँ भारत में ही नहीं, आप देखिए भारत के प्रवासी विश्व में हैं, ये तिरंगा यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा का जो शुभारंभ किया है और आगे चलकर ये 75वां वर्ष है और इसमें 13, 14 और 15 अगस्त को हम लोग घर घर तिरंगा फहराएंगे। इसका मेन मतलब है भारत के रहने वाले लोगों ने अपनी आज़ादी में अपने परिवार या जाति धर्म को ना समझ कर सबने कुर्बानी दी, आज उसके पूरा भारत उत्साहित है। अभी मैं गया था रैली निकालते हुए शेरपुर, शेरपुर में मैं समझ रहा बच्चा बच्चा रोड पर था और उसके तंग ये उमंग थी, वो कह रहा था कि तिरंगा यात्रा आज हमारे जीवन का जो सपना साकार हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है जिस पर्व में आज हम लोग मना रहे हैं बड़े उत्साह से।